गदर दो आरिविटी 2001 में आई सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तारा सिंह के रूप में सनी देओल ने अपने जीवन के प्यार सकीना को पाने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की और हैंडपंप उखाड़ कर दुश्मनों को धूल चटाई। गदर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 22 साल बाद अनिल शर्मा गदर 2 के साथ तारा सिंह को वापस ला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से गदर 2 की रिलीज को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब पिंकविला की रिपोर्ट की माने तो जी स्टूडियो ने निर्देशक अनिल शर्मा और अभिनेता सनी देओल के परामर्श से गदर की रिलीज की तारीख तय कर दी है। सूत्र ने बताया गदर 11 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इसी मौके पर संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल भी रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर भूमिका में है। बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में है। ऐसी होगी गदर 2 की कहानी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर जहां 1947 में भारत के बंटवारे के दर्द को बयां करती है, वहीं इसका सीक्वल भारत पाकिस्तान के एंगल से आगे बढ़ेगा। एक करीबी एक सूत्र ने 2019 में एक इंटरव्यू में पीटीआई को बताया था, हम 15 साल से गदर सीक्वल पर काम कर रहे हैं। गदर तारा सनी देओल सकीना अमीशा पटेल और जीत उनके बेटे की कहानी दिखाएगी। कहानी भारत पाकिस्तान के एंगल से आगे बढ़ेगी। इसके बिना गदर अधूरी है। गदर 2 हैंडपंप नहीं बल्कि इस बार बैलगाड़ी उठाकर तारा सिंह ने दुश्मनों को चटाई धूल। गदर 2 का फर्स्ट लुक।